2 अक्टूबर 2024 के दिन लगेगा साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण। इन 3 राशियों की अचानक से चमक जाएगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, साल का सबसे बड़ा और आखिरी महाभयंकर सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर के दिन लगने जा रहा है। स्वयं नासा के वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी जारी करी है कि इस बार 2 अक्टूबर के दिन लगने वाला सूर्य ग्रहण एक पूर्ण ग्रहण होगा, जिसमें आकाश में जो सूर्य देव का नजारा है वो एक आग के छल्ले यानी कि रिंग ऑफ फायर के जैसे दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद पितृ पक्ष की अमावस्या की काली रात में यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा। दोस्तों भूल कर भी नहीं करें यह 5 काम, नहीं तो जिंदगी भर भागे भागे फिरोगे लेकिन कहीं पर भी शांति नहीं मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के बाद से ही 4 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत के दरवाजे अचानक से बदलने वाले हैं। 4 राशियों का भाग्य उदय होने वाला है। अब सूर्य ग्रहण के बाद से ही शनिदेव के आशीर्वाद से करोड़पति बनने वाली है। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुँच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिश्चराय नमः। दोस्तों साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण निकल चुका है और चंद्र ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद यानी कि सर्व पितृ अमावस्या की काली रात में लगेगा साल का आखिरी और महाभयंकर सूर्य ग्रहण। हिंदू धर्म शास्त्र में ग्रहण का विशेष रूप से महत्व होता है, क्योंकि ग्रहण का असर भारत देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है। नासा के वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं कि इस बार जो 2 अक्टूबर के दिन सर्व पितृ अमावस्या पर जो सूर्य ग्रहण लगेगा यह अब तक का सबसे बड़ा और महाभयंकर ग्रहण होगा। तो चलिए जान लेते हैं 2 अक्टूबर के दिन सूर्य ग्रहण कितनी बजे लगेगा। तो आपको बता दें कि 2 अक्टूबर अश्विन महीने की अमावस्या तिथि की रात में 9:13 से यह सूर्य ग्रहण शुरू होगा, जो कि ठीक आधी रात को 3:17 तक रहने वाला है। यानी कि इस बार जो ग्रहण की कुल अवधि है वो 6 घंटे और 4 मिनट की होगी। दोस्तों बात करें सूर्य ग्रहण कहां कहां लगेगा, तो दोस्तों यह भारत देश के अलावा सूर्य ग्रहण जो है वो ब्राजील, आर्कटिक, कुक आइलैंड, फिजी, आर्कटिका, चिली, पेरू, होनोलुलु, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, अमेरिका, दक्षिणी महासागर, ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया भर के कई देशों में दिखाई देगा। बात करें सूर्य ग्रहण की सूतक काल की, तो दोस्तों सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वो ग्रहण शुरू होने के ठीक 12 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है। ऐसे में 2 अक्टूबर की सुबह में 9:13 से ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। इस बार सूर्य ग्रहण के दिन पितृ पक्ष की अमावस्या के साथ ही त्रिग्रही योग यानी कि 3 ग्रहों का मिलन, महालक्ष्मी योग, गज केसरी राजयोग सहित कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बनने वाले हैं, जिससे सूर्य ग्रहण का जो महत्व है वो भी कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों मेष राशि वाले लोगों के लिए साल का जो ये आखिरी सूर्य ग्रहण है ना, ये बहुत ही अच्छा और शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस बार सूर्य ग्रहण पर कई दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिससे मेष राशि वाले अगर किसी भी नए कार्य को शुरू करना चाहते हैं ना, तो 2 अक्टूबर के बाद आपके लिए समय काफी अच्छा और शुभ रहेगा। कई सालों से जो आपके रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो धीरे धीरे अब फिर से बनना शुरू होंगे। नौकरी कर रहे लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके जो बॉस है वो आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। और सूर्य ग्रहण के बाद आप लोगों के जीवन में जो लंबे समय से आर्थिक कोई भी परेशानियां चल रही थी वो भी दूर होगी। चलिए जान लेते हैं साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू धै फै ढै और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। दोस्तों धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और आपके जो आराध्य भगवान है वो भगवान विष्णु जी है। और इस बार जो सूर्य ग्रहण है यह आप लोगों के करियर के भाव में लगने जा रहा है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के बाद से ही धनु राशि वाले लोगों को करियर और व्यापार दोनों में ही विशेष रूप से लाभ मिलेगा। संतान प्राप्ति होने की इच्छा भी आपकी पूर्ण होगी और आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। लव लाइफ में रोमांस रहेगा, निजी जीवन सुखद बनेगा और साथ ही जो भी विद्यार्थी है छात्र है, अगर आप
कई दिनों से अपने लिए किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रयास कर रही थी, या आप दोस्तों बेरोजगार है और पहली बार नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं ना, दोनों ही परिस्थिति में अक्टूबर का जो ये 2 तारीख से ही सूर्य ग्रहण जो लगेगा ना, इसके बाद से ही धनु राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने वाला है। आपकी किस्मत के सितारे अचानक से चमकने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी और महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक बनेगा? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कब आपके जीवन में सफलता हासिल होगी? कब से आपको खुशियां मिलनी शुरू होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं होती, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं होता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कू बड़ा गय छह के को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी साल का जो ये आखिरी सूर्य ग्रहण है ना, पितृ पक्ष की अमावस्या वाला, यह दोस्तों आप लोगों के लिए परम ही बलशाली योग लेकर आ रहा है, क्योंकि एक तो मिथुन राशि जो है वो सूर्य देव की मित्र राशि है और साथ ही मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह जो सूर्य ग्रहण है ये धन के भाव में लग रहा है। ऐसे में धीरे धीरे 2 अक्टूबर के बाद से ही समय आपके लिए बेहतर होगा, धन की इनकम बढ़ेगी, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल से दूसरे लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, लव लाइफ पहले की तुलना में बेहतर होगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने के योग भी बनेंगे। बहुत दिनों से अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं ना, तो भी मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह जो सूर्य ग्रहण है ये काफी अच्छा और शुभ योग लेकर आएगा। सूर्य ग्रहण के बाद लगभग हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, अचानक से धन लाभ होने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। विशेष तौर पर जो भी व्यापारी है ना, उन लोगों के लिए बड़े मुनाफे वाला कोई भी सौदा जो है वो क्लियर हो सकता है। मिथुन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि सूर्य ग्रहण वाले दिन गरीब लोगों में गुड़ का दान करें। इस उपाय को करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी और साथ ही आप लोगों की किस्मत के दरवाजे भी अचानक से उदय हो पाएंगे। चलिए जान लेते हैं साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के बाद अगली
जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थै जै दे दो चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। दोस्तों मीन राशि में शनिदेव के साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है और इस बार का जो आखिरी सूर्य ग्रहण है यह दोस्तों मीन राशि वाले लोगों के जीवन में कई बड़े और चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आएगा। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में नए इन्वेस्टर और क्लाइंट मिलने वाले हैं। आप अपने परिवार के साथ अच्छे पल बिता पाएंगे। जो भी विद्यार्थी है उन लोगों के लिए भी यह समय काफी अच्छा और मधुर रहेगा। इनकम के नए नए माध्यम नए नए स्रोत बनेंगे। करियर में कई अच्छे और शुभ अवसर आपको मिलेंगे। आपको अपने भाग्य का यानी कि किस्मत का भी पूरी तरीके से साथ मिलेगा। नया मकान खरीदने या वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं। सूर्य ग्रहण के बाद लंबे समय से आप लोग जिस प्रमोशन का पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे या प्रतीक्षा कर रहे थे ना, वो अब आपको अक्टूबर के महीने में ही मिलेगी। आपके जीवन में कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। इनकम तो बढ़ेगी ही, साथ ही खर्च में कटौती और मानसिक रूप से भी आप मजबूत बनेंगे। मीन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि सूर्य ग्रहण वाले दिन आप लोग गेहूं के आटे का गरीब लोगों में दान करें। अगर आप गरीब लोगों में इतना आटा दान नहीं कर सकते हैं तो इस दिन जो भी आप काली चींटियां नजर आती है ना, उनको आप गेहूं के आटे में चीनी मिलाकर खिलाएं। इससे कुंडली में सूर्य मजबूत होंगे और आपके जीवन में वो सभी चीजें हासिल होगी जो कि आप कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिश्चराय, नमः।